morning, my dear students. Most welcome to the online class of SPPS. In this video for 8th class, today I will teach you lesson number 7, pronoun sarvanam. ठीक है, तो pronoun जैसे pro means before, nouns संज्ञा, means की दावर which are used before nouns are called pronoun. तो definition क्या होती है? Pronoun is a word, pronoun एक शब्द होता है which is used जिसका प्रयोग किया जाता है in place of noun. Noun के स्थान पर to avoid repetition of the same word. टू अवॉइड जो दूर करने के लिए जो रिपीटेशन होती है एक ही वर्ड की. ही सी इट दे आर अवर कॉमन प्रोनाउन. फिर देखिए आपको लिखना है ए प्रोनाउन इज ए वर्ड. एक प्रोनाउन शब्द होता है विच इज यूज्ड जिसका प्रयोग किया जाता है इन प्लेस ऑफ ए नाउन. एक नाउन के स्थान पर टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ द सेम वर्ड. ही सी दे अवर आर सम कॉमन प्रोनाउन. आफ्टर दैट मैं आपको बताऊंगा काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के प्रकार देखिए एनी चैप्टर योर प्रोनाउंस आर सिक्स काइंड. तो पहला आपका है पर्सनल प्रोनाउन. ये क्या होते हैं? देखिए पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज फॉर पर्सन. पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं वो पर्सन के लिए यूज किए जाते हैं. आपके पर्सन थ्री टाइप्स होते हैं. फर्स्ट पर्सन जैसे आई मी बी अस माई नवर. सेकेंड पर्सन यू योर्स. थर्ड पर्सन He, him, his, she, her, hers, they, them, their, it. ठीक है. सेकेंड टाइप प्रोनाउंस इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. संकेत वाचक. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. ये क्या होते हैं? देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस पॉइंट आउट समथिंग स्पेशल. स्पेशली डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो इशारा करते हैं कुछ खास को. देयर आर ओनली फोर ऑफ देम. दिस दैट दीज. फिर देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट आउट समथिंग स्पेशली. देयर आर ओनली फोर ऑफ देम अर्थात दिस दैट दीज दोज. थर्ड वन इज रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव समान कारक सर्वनाम. रिलेटिव प्रोनाउन कौन होते हैं? देखिए रिलेटिव प्रोनाउन रेफर टू नाउन. ये नाउन को रेफर करते हैं मेंशन बिफोर. इनका पहले से उल्लेख किया जाता है दैन. एंड आल्सो रिलेट टू टू सेंटेंस रिलेट करते हैं जोड़ते हैं. दे आर हु हुम विच हुज. फोर्थ वन इज रिफ्लेक्सिव. प्रोनाउन. ये क्या होता है? देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर फॉर्म. इन्हें बनाया जाता है बाई एडिंग सेल्फ एसी एल एफ और सेल्फ टू द पर्सनल प्रोनाउन. ठीक है. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर ए फॉर्म्ड बाय एडिंग सेल्फ और सेल्फ टू द पर्सनल प्रोनाउन. फिफ्थ टाइप प्रोनाउंस इज योर. आपके पांच प्रकार प्रोनाउंस होते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन. प्रश्नवाचक सर्वनाम. ये क्या होता है? इंटरोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन. इनका प्रयोग किया जाता है आस्किंग प्रश्न पूछने के लिए. दीज आर हु व्हाट व्हिच व्होज व्होम इटीसी. ठीक है. एंड सिक्स्थ वन इज इनडेफिनिट प्रोनाउन. ये क्या होता है? इनडेफिनिट प्रोनाउन डू नॉट रेफर टू एनी नॉन डेफिनेटली. जो इनडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं वो किसी संज्ञा को निश्चित रूप से रेफर नहीं करते हैं. दीज आर समवन एनीवन समथिंग समबडी एनीबडी एवरीबडी ईटीसी. तो एज अ होमवर्क डियर स्टूडेंट यू विल राइट ऑल द डेफिनेशंस बाय लिसनिंग माय स्पीच एंड आल्सो कंप्लीट द एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन. दैट्स ऑल फॉर द वीडियो. थैंक यू.